सरकारी स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर तक अध्ययनरत बच्चों को सर्वांगीण विकास के तहत सरकार की ओर से सप्ताह में 2 बार दूध देने के लिए लागू की गई है योजना। विभागीय सूत्रों के अनुसार उक्त योजना के लिए विद्यालय एवं नोडल केंद्रों पर दुग्ध पाउडर के डिब्बे पहुंच गए हैं, लेकिन फिलहाल निचले स्तर पर योजना को शुरू किए जाने संबंधित कोई भी आदेश नहीं मिले हैं। ऐसे में विभाग द्वारा आगामी आदेशों तक अब बच्चों को अभी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी 2018 में अन्नपूर्णा योजना लागू कर बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध दिए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोरोना काल में इस योजना को बंद कर दिया गया। एक बार पुनः अब सरकार ने योजना को नाम बदलते हुए बाल गोपाल नाम से योजना को लागू किए जाने की राज्य सरकार ने घोषणा की थी। घोषणा के बाद विद्यालय शुरू हुए 4 माह का समय बीत गया, लेकिन अब तक योजना डिब्बे में बंद थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार से उक्त योजना का शुभारंभ राज्य सरकार के द्वारा किया जाना था, लेकिन फिलहाल निचले स्तर पर योजना को लेकर किसी प्रकार के आदेश नहीं मिल सके, जिसके कारण बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल सका। अब विद्यालयों को विभाग के आगामी आदेश तक बच्चों को दूध नहीं दिया जा सकेगा। ऐसे में अभी भी बच्चों को दूध के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 15 ग्राम पाउडर मिल्क मिलेगा, जिससे 150 मिलीग्राम दूध तैयार किया जाएगा। तैयार दूध में 8.4 ग्राम शक्कर प्रति विद्यार्थी के हिसाब से मिलाई जाएगी, जबकि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 20 ग्राम दूध पाउडर से 200 मिली दूध तैयार कर उसमें 10.2 ग्राम के अनुसार शक्कर मिलाई जाएगी। यह दूध सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि शहर के सभी विद्यालयों में दूध पाउडर उपलब्ध हो गया है। अधिकांश पीईओ एवं नोडल केंद्रों पर यह दुग्ध पैकेट उपलब्ध हो गए हैं, जबकि कई केंद्रों ने तो अपने अधीनस्थ विद्यालयों को यह पैकेट वितरित भी कर दिए हैं। फिलहाल दूध के लिए जवाजा ब्लॉक के बच्चों को और इंतजार करना होगा। पटेल स्कूल पानी प्रभारी राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध के पैकेट पीईओ एवं नोडल वितरण केंद्र को उपलब्ध हो गए हैं, जिनसे सभी विद्यालयों को यह उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होते ही जल्द योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार के साथ दूध भी उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बच्चे को दूध योजना जो चालू की है उसका सामान प्राप्त हो चुका है, और सप्ताह में 2 दिन छोटे बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध दिया जाएगा। मंगलवार और गुरुवार को ये दूध देने की योजना है, और बहुत जल्दी ही इन बच्चों को दूध दिन में दोपहर के भोजन के साथ दिया जाएगा। सभी स्कूलों में राजस्थान के प्रत्येक विद्यालय में ये योजना चालू की गई है। राज्य सरकार की ये बहुत अहम योजना है कि बच्चों को पोषाहार के साथ ये दूध भी दिया जाए, और दूध का सामान उपलब्ध हो चुका है।